तकलीफ दा मौके पर मुलाकात का एक मौका जो है आ रहा है। हमारे अपने मुल्क में गुज़िश्ता 2 साल में प्रोफेसर कंचा आइलाया की तरह के 4-5 लोगों का कत्ल हुआ। उम्मीद है कि उनके नाम यहाँ पर जेरे बहस आए हैं, मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता। जिसमें हालिया जो हुआ खातून जो लंकेश गौरी लंकेश है, जो हमारी पड़ोसी रियासत कर्नाटक, उनकी भी तसानी उनकी भी तहरीरात कुछ इस किस्म की थी कि वो लोग जो आम तौर पर इस समाज को हमेशा तकसीम होता हुआ देखना पसंद करते हैं या समाज को बांटना चाहते हैं, समाज में मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान नफरतें पैदा करना चाहते हैं, उनको ऐसी शख्सियतें भाई नहीं, पसंद नहीं आई। लिहाजा हालिया जो कत्ल हुआ मोहतरमा गौरी लंकेश का, इससे पहले बुजुर्ग सादका वाइस चांसलर कलबुर्गी साहब का हुआ, उसी तरीके से जागोलकर साहब का हुआ, बहरहाल इसी तरीके के ये सिलसिला चल रहा है। तो आज जो सूरत हाल है हमारे अपनी इस रियासत में, दोनों तेलुगु रियासतों में खुशन साउथ के अंदर, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे मुसनफिन हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जर्नलिज़म से जो वाबस्ता हैं, ऐसे लोग हैं जो यकीनन उन ताकतों के निशाने पर हैं जो यही चाहते हैं कि जो फिर भी कंपैरेटिवली आप तकाबुली तौर पर साउथ की जो सूरत हाल है फिर भी निस्बतन बेहतर है, उस सूरत हाल को ख़राब करने के लिए, उस सूरत हाल को उनके अपने फेवर में लेने के लिए कोई भी दफीका वो छोड़ना नहीं चाहते। तो ये एक जरिया है। अब देखिए एक कंचा इलाइया के एक मामले पर अभी उन्होंने मेन उनवान को तो भूल गए वो, जबकि उन्होंने कहा था कि भाई आई एम नॉट हिंदू, मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ, उन्होंने किताब लिखी, उसका एक हिस्सा है, ये इत्तेफाक है। एक उन्होंने कहा कि समाज का उन्होंने तकाबुल किया, समाज में ऐसी ताकतें भी हैं, ऐसी कम्युनिटीज भी हैं, ऐसे ग्रुप हैं जो मुस्तकिल सारे समाज को जो है लूट रहे हैं। तो उन्होंने तशबीह दी है कि ये स्मगलर्स हैं, समाजी स्मगलर्स हैं का। अब उनमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का उन्होंने नाम लिया, वैश्यास बनियास उनका नाम लिया। तो आज जो सूरत हाल है वो ताकतें इनको बहाना बनाकर इस कम्युनिटी को सामने रखते हुए जितने भी आर्यन रेस के जो ग्रुप बताए गए अभी यहाँ पर मनुवाद के एतबार से, वो सब के सब मुतहदा तौर पर इसके पीछे हैं। और बहुत कोई अजब नहीं, हमको खदशा है एक शहरी की हैसियत से, एक सास शहरी की हैसियत से हमको खदशा है कि वो जो सूरत हाल मोहतरमा गौरी लंकेश के साथ पेश आई, खुदा ना खास्ता प्रोफेसर कंचा आइलाया साहब के साथ भी न पेश आए। बड़े अहम मौके पर भारत के समझदार साहब ने दानिशों ने बहुत गौरव के साथ इस रॉन के कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ और उसके बाद जो हिंदुस्तान का कानून बनाया गया वो दुनिया के दस्तावेज सात ममालिक के दस्तावेज को पेश नज़र के बनाया गया और ये सिक्योर कॉन्स्टिट्यूशन और दुनिया के एतबार से हमारा जो है दस्तूर हमको बात करने की इजाज़त देता, इजारे राय की इजाज़त और लिखने की इजाज़त और जो है हमको अपने ख्यालात को पेश करने की इजाज़त। लेकिन आज जो है किस अंदाज से ये हमारे कांचा इलाइया साहब की इस छोटी सी फिक्र पर इस कदर फावेला मचाया जा रहा है, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये
क्या महात्मा गांधी जी से बढ़ के ये लोग कांचा इलाइया साहब को समझ रहे हैं। अमित शाह साहब जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी एक इंतहाई वसीम ख्याल अफराज समझ रहे हैं, उन्होंने गांधी जी के तौर से क्या, उन्होंने कहा कि बहुत चाबुक उन्होंने बनिया था, उन्होंने कहा और क्या तमाम लोग बेहोश थे। महात्मा गांधी पर उन्होंने तंज नहीं किया बल्कि तनखीद की, उन्होंने तनखीद किया, उन्होंने कहा कि और वो उनका अंदाज जो था चाबुक दस्ती का जो अंदाज शाम ऐसा था। नेक्स्ट की जो उन्होंने बात की वो बहुत सोच समझ की बात थी, इसलिए गांधी जी जो है आज़ादी की मुहिम से पहले 1857 में 1857 में जो गदर हुआ था, गदर के बाद से गांधी जी बेदार थे और उनको मालूम है जंगे आज़ादी में मुसलमानों के क्या खिदमत रहे। बहादुर शाह जफर जो शहनशाह हिंदुस्तान थे और वो आखिरी मुगलिया सल्तनत के बादशाह रहे, जब अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया तो 3 दिन तक नाश्ते में एक एक बेटे का सर पेश किया गया। ये तारीख के वो जरूरी बाब है, आप हमको तो गौर नहीं करना चाहिए, हमको सिर्फ ये गौर करना चाहिए कि हम जो है इंसाफ पर मबनी जो भी एहसास है उसकी नुमाइंदगी करें। ये देखो और ये विचार ये सुकून आपके अंदर जो आई है इस दौर का आप सासा बन गए, वरना अफीम की समझ काकर जैसे नीम बेहोशी और वशी के आराम में छोटे हैं 90% नहीं बल्कि 98% मुसलमानों की हालत है। भी प्रोफेसर सलीम साहब ने जो मुकाम पर तोज्जो दिलाई है उसका एक संदेह अहम वो है कि ये आरएसएस या हिंदू महासभा नब्जे हिंदू वापू क्यों किया तारीख ही बना, इसको हमको समझना जरूरी है। 1857 के गदर के बाद ताजे बरतानवी की मुकम्मल हुकूमत कायम होगी, बरतानवी और वानिया ने रियासत की एक संदेह 540 या 500 साल जैसी रियासतें ये मुल्क दो हिस्सों में बढ़ गया। तो बरतानवी हिंद का जो मामला था वहाँ पर ताजे विक्टोरिया की हुकूमत थी और लाल माउंट विघन जो थे इससे पहले जितने गवर्नमेंट जनरल आए वो तमाम के तमाम संघीय हुकूमत कर रहे थे अंग्रेज के नुमाइंदे। उन लोगों ने इंग्लैंड की तरह यहाँ पर सेंसस का आवास किया, मधुम शुमारी का आवास किया, शायद पहली मधुम शुमारी 1800 ने 1871 में मधुम शुमारी की। मधुम शुमारी के बाद इस मुल्क का जो सुकून था वो सुकून टूट गया। सुकून क्यों टूटा, जब तक बहुत सुकून था इस मुल्क में हजारों साल से डोमिनेट करने वाले जो थे आर्यंस जैसे सलीम साहब ने कहा ब्रह्मन शक्ति देश, ये लोग हजारों साल से दुम करके यहाँ के समझे कदीम बाशिंदों को अपना गुलाम बना लिया और पूरी दुनिया की तारीख में इसकी नजीर नहीं मिलती कि बिना मशरूम किसी को गुलामी पर हजारों साल तक रखा गया और बगैर मावजे के उनसे हिम्मत दी गई और हिम्मत भी ऐसी दी गई कि उन्हें मावजा तलब करना भी अपने समझे सफल होने के द्वारा, उनको ना खाने का ना उनको पहनने का ना उनको उठने का ना बैठने का, यहाँ तक कि उनको कुओं से और तालाबों से पानी पीने का भी हुक्म, जानवरों से बदतर उनकी जिंदगी। जानवर कुएं में आकर पानी पी सकता था लेकिन वो इंसान पानी नहीं पी सकता। और वो अभी आपने बगा व्यवस्था मनुष्य मूर्ति के जरिए से ये चालाक मक्कार यहूदी नस्ल के ब्राह्मण ने जो मनुष्य मूर्ति को लागू किया उसके नतीजे में क्या हुआ, 6400 से ज़्यादा जातों में अक्सरियत को तकसीम करने के बाद एक जात दूसरे जात से बेटी का और रोटी का रिश्ता नहीं रहे, एक जात दूसरी जात के पास जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, उनके खुशी और गम के काम में जा नहीं सकते। इतनी तकलीफ की दीवारें, इतनी नफरत की दीवारें खड़ी कर दी और ये 3,000-3,500 साल से चलता रहा। और मुसलमान जब इस मुल्क में आए मुसलमानों की आमद पहले मोहम्मद बिन कासिम से शुमार करें तो 722 ईस्वी, महमूद गज़नवी से शुमार करें तो 107 और आगे, लेकिन
1225 साल के करीब मुसलमान का इकतदार इस मुल्क में आ गया। और मुसलमान क्या करे, मैं इस बात का ख्याल नहीं कि मुस्लिम बादशाहों की फसीरा पर जब भी कुछ लोग पढ़ते हैं मेरे को तकलीफ होती है। क्यों, अगर वो लोग अगर सही होते तो आज की नस्ल उनकी कमी का समझाता नहीं गुजरती। आज ये मुश्किल सितम बनकर दोनों सितम का शिकार नहीं हो गया। 1225 साल के जो हुकूमत करने वाले थे उन लोगों की कमी का नतीजा है आज हम मजबूर बने हुए हैं, मजबूर बने हुए, बेबस बने हुए, लाचार बने हुए हैं और बेहुजूर गिरफ्तार किए जाते हैं, बेहुजूर के हुक्म हमारा कतल होता है। और ये सिलसिला सिर्फ 70 साल से, 3500 साल से जो लोग हमसे ज्यादा जुल्म सहे, आप उन तौफीक भी कभी पलट कर उनकी तरफ देखने की आपको नाम की आपकी जबान से निकले वाले निकलने वाले वो कानून का मतलब है तो आपका फरमान कानून बन चुका है। लेकिन 1225 साल तक हुकूमत करने के बावजूद आपको कभी तौफीक नहीं भी इस मुल्क की अक्सरियत जो मजलूमियत की जिंदगी गुजार रही है, इंसान होते हुए जानवरों से बढ़कर जिंदगी गुजार रही है, उसमें क्या हो गया, हमारे जो हुक्मरान थे उनकी मुकामी जबान नहीं आती, मुकामी जबान नहीं आती थी। और वो हुकूमत करने के आते आए थे इस्लाम फैलाने के लिए या इस्लाम नाफिज करने के लिए, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए नहीं आए थे। तो उसमें से इन लोगों ने क्या किया, पुराने जो राजपूत और ब्राह्मण थे और वेश थे वो समाज में डोमिनेट डोमिनेशन था उनका, मुसलमान इंतजार पे आ गए तो वो शराकतदार हो गए, हिस्सेदार हो गए, असम्बली और पार्लियामेंट का तो छोड़ दिया, राजपूत पंचायत का मेंबर भी मुंतखब नहीं हो सकता, वेश पंचायत का मेंबर भी मुंतखब नहीं हो सकता। इसलिए इन लोगों ने आप शतानंद का स्वामी विवेकानंद की मजामी में देखिए, लगते हिंदू से वो लोग नफरत करते हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जिंदगी गाली है। अभी जैसे प्रोफेसर सुनील साहब ने कहा इसके माने चोर के हैं पार्टी में और उसके माने क्या है, शिकस्त होगा हारे ने, जो जंग हार जाता है उसको भी हिंदू कहा जाता है। तो इस अंदाज से ये लफ्ज उनको नफरत थी, लेकिन सर जोड़ कर बैठे, बैठने के बाद उनको इस बात की तरफ फिर हुई कि मुस्तकबिल में अगर जमहूरी निज़ाम हुकूमत इस मुल्क में आएगा तो हम लोग अपनी बालादस्ती अपनी सबकी हजारों साल की जो बर्तरी है उसको कैसे कायम रखेंगे। तो उस सिलसिले में 1914 में शायद हरियाणा की सरगर्मी के हिंदू महासभा की 19 देश थी, उसके बाद 1921 में बागा का उसकी बुनियाद रखी गई और उसके 3 साल के बाद 1924 में और 25 में राष्ट्रीय सेवक संघ के नाम से तंजीम कायम की गई। और ये तमाम लोगों ने मिलकर ये तय किया कि ये 80% से ज़्यादा जो हजारों साल के गुलाम और पसमानदार मजलूम लोग हैं, अगर उनको अपने दामन फरेब में रखना है, जकड़ कर रखना है, अपने तौफे गुलामी इसमें बांध कर रखना है तो उसका एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है, इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी के हथियार के जरिए से इनका हिंदूकरण किया जाए। इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी के एक ही हथियार के जरिए से इनका हिंदूकरण किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1970 हो सकता है इस जमीन के से अपने खून को सोख कर दूंगा और इस मकसद के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान के लिए इंशाल्लाह तैयार है। आमीन।